गुड मॉर्निंग प्रेयर शुरू करें। सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अंदर जाती हुई सांस, फिर बाहर जाती हुई सांस, उन्हें जानते रहें। अवेयरनेस होश बनाए रखें। बिना कोई कामना किए सांस को जानते रहें। न ज्यादा सांस चाहिए न कम सांस चाहिए, जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए। पूरे स्वीकार भाव के साथ चलता रहे। प्यारे खोजियों, आपकी सुबह गॉड मॉर्निंग बने। गुड मॉर्निंग से मौन इंग शुरू हो। ईश्वर पहले मौन अवस्था में था जब संसार नहीं बना था, फिर हुआ मौन इंग, मौन इन एक्शन, और संसार बना। संसार के पीछे अपने गुणों की अभिव्यक्ति और दर्शन था। लीला के पीछे क्या कृपा है, ली कृपाला, प्रेम, आनंद, रचनात्मकता, साहस, प्यूरिटी, अनेक गुणों की अभिव्यक्ति ली कृपाला है, जिसमें हर रंग है, जिसमें काला रंग भी है। जब अज्ञान है तो सवाल है, काला क्यों है, बुरा क्यों है, दुख क्यों है। ज्ञान, तेज ज्ञान मिलने के साथ आपको पता चलता है कि वाइट तो वाइट है ही, ब्लैक भी वाइट है, राइट तो राइट है ही, रॉन्ग भी अलग दृष्टिकोण से राइट है, लेफ्ट भी राइट है, लाइट तो लाइट है ही, डार्क भी लाइट है, लाइट वेरी लाइट है लेकिन हेवी भी लाइट है, नए एंगल से सब राइट है, तो सब बदल गया। सब एक ही हैं, दो है ही नहीं, सब वाइट है, सब राइट है, तो शिकायतें समाप्त। ये सभी को स्व अनुभव मिले। प्रार्थना करें आंखें बंद रखते हुए कि हे परमात्मा, सभी को यह वाइट दिखाई दे, सभी पर वाइट लाइट प्रकाशित हो, सभी वाइट लाइट को हीलिंग लाइट की तरह ग्रहण करें और स्वास्थ्य प्राप्त करें। सभी की शिकायतें बंद हो जाएं। सुबह से लेकर रात तक जो जो शिकायतें इंसान को ईश्वर से दूर कर रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सभी ग्रहणशील बने ताकि कृपा को पहचान कर सभी धन्यवाद दे पाएं, सभी मुक्ति पथ पर चल पाएं। चलना है तो कृपा मिलती है, नहीं चलना है तो कारण मिलता है। सभी मनुष्य खुद से सवाल पूछें, कृपा चाहिए कि कारण चाहिए। कृपा चाहिए तो अज्ञान का छाता
अहंकार का छाता हटाना है। आई नो, मैं जानता हूँ का लेबल हटाकर जो जैसा है उसे वैसे देखना शुरू करना है। यह संभव है, यह हो रहा है। ईश्वर की कृपा सब पर इसी तरह बरसती रहे। ईश्वर ही इंसान बना ताकि इन सब बातों का वह अनुभव कर पाए। ईश्वर ही होल है, सब मान्यताओं का खेल है। अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। यह होल परमात्मा है। यह शरीर में है या शरीर की वजह से है? होल पेपर पर है या होल में पेपर है? शरीर में ईश्वर है या ईश्वर में सारे शरीर हैं? अंडरस्टैंडिंग इज द होल थिंग। सरस्वती को ब्रह्मा के साथ क्यों रखा गया? लक्ष्मी को नारायण के साथ क्यों दिखाया गया? पार्वती को शिव की शक्ति क्यों माना गया? सारी मूर्तियाँ उपासना करवाने के लिए थीं, ईश्वरीय गुणों को दिखाने के लिए थीं। सभी ये इशारे पकड़ पाए, सभी कर्म संकेत पहचान पाए, आनंद से भर जाएं, आनंद से भर जाएं। ज्ञान की गंगा कुदरत में चारों ओर से बह रही है। यह सबको मिल सकती है, सबके दुख समाप्त कर सकती है, सभी को स्वस्थ रख सकती है। गंगा के बहाव को समझने और संभालने की कला सीखनी है। हे परमात्मा, सभी ज्ञान को संभालने की कला सीखें। अहंकारी बनकर अपना अमंगल न कर लें, ताकि ज्ञान से वे सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएं, संतुष्टि प्राप्त करें। ज्ञान की गंगा को संभालना अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म सिखाता है कि जो भी देखो इशारा समझो। बीमारी आई है, इशारा है, इसे कर्म संकेत समझकर व्यायाम शुरू करो, प्राणायाम शुरू करो, खाने पीने पर ध्यान देना शुरू करो, दिमाग में जाने वाले विचारों की डाइट बदलो, सूक्ष्म भाव पहचान कर हैप्पी हैट में रहना शुरू करो, अपने सूक्ष्म देह की डाइट भी बदलो। सबको अज्ञान से मुक्ति मिले। अज्ञान में पहला जन्म होता है हर मनुष्य का, दूसरा जन्म होता है अज्ञान के खोल से बाहर आकर, तब खुलते हैं सारे राज, वरना इंसान रहता है नाराज। जो होता है नाराज वह कभी नहीं जानता है राज। जिसे राज का पता, इस राज का पता नहीं चलता, वह नाराज रहता है। इसलिए इस राज को जानने के लिए हर घंटे स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ, हु एम आई। यह आदत हर मनुष्य राइट सवाल पूछकर स्वयं को माया से बाहर ले आए, तब मुक्ति मिलना संभव है। यह सबको मिले ऐसी प्रार्थना करें कुछ क्षण। ध्यान के अंत पर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें, जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे।